अभी साजिद वो नया गाना सुना है जो आतिफ का आया? नहीं यार, मैं म्यूजिक से कनेक्टेड नहीं हूँ। उस गाने में कौन सा आतिफ ने कुछ गलत बोला है? सुन तो सही, एक दफा मजा आएगा। भाई मैं म्यूजिक नहीं सुनता, ये गलत काम है। कोई और बात है तो वो कर ले। कोई और बात यार मैं क्या करूँ, तू हर बार पे कुछ ना कुछ भाड़ मार देता है। तू अब सिर्फ ये बता, तू म्यूजिक क्यों? क्योंकि म्यूजिक हराम है। तू पुराने जमाने की रहेगा हमें यार, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? और अगर म्यूजिक ना सुनने वाला ना पुराने जमाने का है तो फिर मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ पुराने जमाने। भाई तुझे किसी ने बताया नहीं कि म्यूजिक रूह की गजा है? तो हराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। भाई दरअसल तू किसी जाहिल के हथे लग गया जिसने तुझे बता दिया कि म्यूजिक रूह की गजा। यार मैंने बहुत सारे आदमियों से ये कहते हुए सुना है कि रोटी जिस्म की गजा है और म्यूजिक रूह की गजा है, और तू कुछ नया ही फलसफा लेके आ गया। जिसने तुझे ये सब गलत काम बताया ना, या तो वो काम अकल वाला था या फिर उसके पास नाकस इलम। क्या मतलब तेरा? यार हमारे दीन ने म्यूजिक को हराम करार दिया है तो फिर वो रूह की गजा कैसे हो सकता है? बल्कि अब तो म्यूजिक में कुफरिया कलमात तक बोले जाते हैं। भाई लेकिन नात में म्यूजिक, गानों में म्यूजिक, क्वाली में म्यूजिक, एड्स में म्यूजिक, टीवी एड्स की मशहूरियां जिसे हम कहते हैं उसमें भी हत्था के म्यूजिक। तो तू कुछ ऐसा बता या कोई ऐसी वीडियो दिखा जिसमें म्यूजिक ना लगता। एक बात बता रहा हूँ, गौर से सुन लेना, जिस चीज में हराम चीज शामिल हो जाए, चाहे वो कम मकदार में ही क्यों ना शामिल हो, वो पूरी की पूरी चीज हराम हो जाए। नात में म्यूजिक तो लगता है ना, और फिर उसी नात में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। तू बता फिर वो क्या? देख मेरे भाई, ये फतवा लगाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने उलमाए इकराम से सुना है कि नात में म्यूजिक लगाना बहुत गलत है और गुनाह। भाई लोग तो म्यूजिक लगा रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, और अब तो म्यूजिक के मुकाबले भी हो रहे हैं, और वो भी टीवी। मेरे भाई देख, 70 औलिया अल्लाह ने इस म्यूजिक पर अपना नजरिया पेश किया है, जिसमें से एक ये है कि म्यूजिक जिना की पहली सीढ़ी है, और अब तो टीवी वाले लोग खुल्लम खुल्ला फाजी फैला रहे हैं। और इस वक्त बोल चैनल सबसे बड़ा फाही का अड्डा चला रहा है। हाँ भाई मैंने देखा कि वहाँ म्यूजिक भी होता है, और लड़के लड़कियाँ नाच रहे हैं बेखौफ कैमरों के सामने, और सरों से दुपट्टा भी गायब है। बिल्कुल ऐसे ही यार, अगर यही सब चलता रहा ना तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब जीना आम हो जाएगा और लोग बेखौफ खुल्लम खुल्ला नाच किया। भाई अगर वो ये काम छोड़ दें तो इसके अलावा वो करेंगे क्या? आता ही क्या उन्हें इसके अलावा? अगर वो काम छोड़ दें तो पैसे कहाँ से कमाएंगे, है ना भाई? गलत तो गलत ही है ना, चाहे वो बादशाह के महल में हो या किसी गरीब की झोंपड़ी में हो, गलत तो गलत ही है। और ठीक इसी तरह हराम हराम ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले।